Teacher, I was wondering if you could give me an example of gases in liquids. Like in the textbook, it's mentioned that the soda bottle example. But in case that does not come to mind, so I was wondering if you could give me any other examples of equilibrium. Example of Gases in gas. liquids equilibrium. Okay. See, if you see all around your if you see all around your nature also, there are very common examples which are present. First, you can see peep outside. It is the fog and mist. What is this? They are liquids in gas. Next, you can say hairsprays, you know. That you are using. You call them as aerosols. Okay. Then very, very common, how does the aquatic animals breathe? Dissolved oxygen. Oxygen in water. Okay. The dew drops. The dew drops on the leaves. So the water in the winter season, you can see now our glass panes, window panes, they are the mirrors. They get clouded. Why? Because of this only. So these are all the examples. Okay, teacher. Can I ask the next question? Yes. Yes, teacher. So basically, I was having trouble in the Le Chatelier's principle, like in the class when they explained it. So could you explain it in more detail? And if possible, could you give us some related to that? Yes. See, first of all, what is the basis of Lee Chatelier's principle? Yes. Basically, it explains about the change in any of the factors of the equilibrium and how it is related to causing the equilibrium to change. See, basically, what do we see? We see that there is always a conversion which is taking place. So Lee Chatelier principle, we call it as LCP. Now this may be used to check, to understand how an increase in temperature
क्वांटिटी और फोर्स, यू नो, व्हेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, देयर टेंड्स टू एक्सर्ट अ फोर्स, ओके, व्हिच एक्चुअली फोर्स दैट वुड इफेक्ट द इक्विलिब्रियम. ओके, सो नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज व्हेन वी आर चेकिंग इन इंडस्ट्रियल सिचुएशंस, ओके, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज वी नीड टू फोरकास्ट कि सिंस वी आर यूटिलाइजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, वी शुड गेट दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल, हाउ वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम, द ओनली मेथड टू अचीव इक्विलिब्रियम इज टू एनहांस प्रोडक्शन. ओके, नाउ व्हेन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, ओके, आई गेव यू वेरी फर्स्ट वेरी सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अमोनिया, यू नो, अमोनिया का 18% बनता है और उसके बाद में वो तुरंत रिवर्स हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पलेडियम, ये पूरा रिवर्स हो जाता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिस्पॉन्स इट शिफ्ट्स जहां पे ज्यादा यूसेज होता है टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ रिएक्शन. समझ में आ रहा है? मतलब यस दूस तरफ रिएक्शन का यूज होगा, तो यू रिएक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे? हम करेंगे टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, जहां पे हमने ना क्वांटिटी बढ़ा दी रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया. अब सिंपल एग्जांपल है, आप एक मिक्सी लो, उस जार के अंदर में ना सबसे पहले खाली 5-6 पीस ऑरेंज के डालो, या तो उसके अंदर में उसको 3/4 भर दो ऑरेंजेस से, तो तुमको फास्ट काम किसमें मिलेगा? With a few slices of orange. नहीं, फ्यू स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज तो वो टच ही करती रहेगी, करके देख लेना, मिक्सी का जार बड़ा होता है तो वो टच ही करती रहेगी. लेकिन अगर तुम ज्यादा भरोगे तो जैसे ही वो रोटेट होगा वो एक दूसरे के साथ भिड़ते 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 फटाफट हमको जूस दे देगा, करके देखो, दिस इज ओके प्रैक्टिकल. सो इसके अंदर में हमने क्या किया, यूसेज ऑफ रिएक्टेंट है वो बढ़ा दिया, यूसेज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन द सिंथेसिस, तो उससे क्या हुआ, देयर इज अ रिडक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर. मतलब कि वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया. और अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ाया तो उससे क्या होगा, अगर ये इंक्रीज किया तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो घटेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है जाएगा लेफ्ट साइड पर, और जब परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट है गिरता है तो ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द राइट साइड, और उससे क्या होता है, रिएक्टेंट्स इंक्रीज होता है. सी बेसिकली हम जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर में हमको देखना है कि इक्विलिब्रियम है लेफ्ट साइड जाएगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा. ओके, सो
यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया कि N2H2 है, और इक्विलिब्रियम में क्या है, वो मिक्सचर्स होंगे जो कि कन्वर्ट होते हैं, जिनके अंदर कन्वर्जन्स होते हैं, समझ आया? सो N2H2 है, ये NH3 देता है, तो इसके अंदर में खाली 18% बनता है, बाकी वापस N2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मुझे इसको वापस इस निकल और पलेडियम से पास करना पड़ता है, तब जाके मुझे 85% अमोनिया मिलता है। तो अमोनिया प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। सिमिलरली इसके अंदर में भी ऐसे ही है कि अगर ये आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम है राइट साइड पे जाएगा, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना? सो हाँ व्हेन द ठीक, परसेंटेज, तो अगर ये बढ़ा तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बराबर? व्हेन द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट फॉल्स, तो रिएक्टेंट है, रिएक्शन है, मूव होगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ओके Just 1 second, I'm noting it down. सो देयर फोर प्रोडक्ट विल एनहेंस द बैकवर्ड रिएक्टिविटी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है गिरेगा, और जब परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट फॉल्स देन इट विल सिंथेसाइज न्यू केमिकल कॉम्पोनेंट्स, न्यू केमिकल कॉम्पोनेंट्स और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है वो उसके अंदर में बढ़ जाएंगे। सो वी हैव टू सी कि द रेस्पॉन्स, यू कैन से द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिस्पॉन्स शिफ्ट्स, टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ओके, चलो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि मैनील, समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट कि हाँ नहीं आया समझ में तुम्हें? आया, समझ में आया, ओके, समझ में आया। सो अब मैं ये लिख रही हूं कि SO2 + O2 विल गिव SO3, माइंड इट, SO3। अब इसको बैलेंस करके दो मुझे। ओके ठीक सर, वंस अगेन। सर, टू SO2 + O2 गिव्स 2 SO3। यस, सो नाउ इफ वी सी दैट द रिएक्शन मिक्सचर, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट राइजेस, तब इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट राइजेस ना, अह हाँ, विल मूव टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइजेस, देन इक्विलिब्रियम विल मूव इन अदर डायरेक्शन, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट।
So more likely, what you will see? Response is forward. Okay. So Okay. we see that sum of SO2 or O2, they form SO3. Okay. So therefore, the reaction equilibrium will shift towards the other side. Yeah. Yes. The reaction equilibrium towards other side. Now, if the percentage of reactant falls, तब क्या होगा? परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट फॉल्स, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. See, what if the percentage of reactant falls? Then, मतलब रिएक्शन हो रहा है, हाँ रिएक्शन यस. है, और अगर रिएक्टेंट का परसेंटेज गिर गया तो इक्विलिब्रियम विल चेंज इन फेवर ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा. सो यू कैन से सम ऑफ SO3 वुड चेंज टू SO2 और O2. SO3 है वो चेंज होगा टू SO2 और O2. तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट. रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? लेफ्ट में. और अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा? सर, गुड यू रिपीट. रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन? एक्शन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम विल मूव इन द अदर डायरेक्शन. कौन सा अदर डायरेक्शन होगा? अभी मैंने तुमको रिएक्शन दिया है कि SO2 और O2 और SO3. तो हाँ, अगर इनमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम इसमें विल शिफ्ट टुवर्ड्स द SO3, राइट? जस्ट इट होल्ड्स मोर वैल्यू. इफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस देन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट. भाई क्या होता है कि जैसे जैसे N2 और H2 यूटिलाइज होता है, मतलब इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता है,
वैसे वैसे NH3 बनता है, एक पॉइंट पे आके NH3 बन जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इधर N2H20 हो गया, हो गया ना, N2H2 हाँ खपके पूरा N3 बन गया। सो इसके अंदर क्या होगा, द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, शिफ्ट्स टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यानी इधर SO2 और O2 ये घटेगा और इधर SO3 पूरा बन जाएगा, तो रिएक्शन किधर मूव हुआ, SO3 बनाने में, ठीक है। और अगर मैं ये देखूं कि इंक्रीज इन द पेस ऑफ इंक्रीज इन द पेस ऑफ फॉरवर्डिंग रिस्पॉन्स, इंक्रीज इन द पेस ऑफ फॉरवर्डिंग रेस्पॉन्स, सो सम ऑफ दी SO2 और O2 दे फॉर्म SO3, सो द रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्चुअली क्या है, ये जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, ऐसे ही खाली प्रॉब्लम्स हैं, आपको ओके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। So, इसके अंदर में क्या होगा, अगर मैंने एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो भी इक्विलिब्रियम है उसके अंदर याद रखना रिवर्स रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो अगर रिवर्स रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, अगर रिवर्स रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में नहीं समझा, नहीं समझा, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टूड द रिवर्स रिएक्शन। क्वेश्चन मतलब ये आज क्यों नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है। SO2 प्लस O2 ये दे रहा है SO3। अब बताओ कि जब रिएक्शन है इसके अंदर में इंक्रीज ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, तो इसका इक्विलिब्रियम इसका इक्विलिब्रियम जो है वो इसकी तरह आएगा। भैया SO3 है ना, वो SO2 में और हाँ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाँ हाँ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट, हाँ यस समझे। सो कॉन्सेंट्रेशन का ये फर्क पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन लिक्विड डाइल्यूट है या एसिडिक है। ओके सो ओके नेक्स्ट, चेंजेस इन वॉल्यूम,
चेंजेस इन वॉल्यूम, चेंजेस इन वेलोसिटी और इनर्ट गैस, इट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो इसमें क्या लिखोगी, के लिखोगे, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी। सो केपी इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर एंड एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गेटिंग? गेटिंग सो इसके अंदर में क्या है कि द रिएक्शन ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इनके ऊपर में क्या अफेक्ट होता है, इनके ऊपर में वॉल्यूम, प्रेशर और इनर्ट गैस का फर्क पड़ेगा हाँ है? प्रेशर, वॉल्यूम और इनर्ट गैस, इसका फर्क पड़ेगा? नो, नो हाँ फर्क। फर्क नहीं पड़ेगा। राइट डाउन, दे आर अनअफेक्टेड बाय द रिएक्शंस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। दे आर अजिम स्टेटमेंट, अनअफेक्टेड बाय, स्टेटमेंट क्या लिखना है? स्टेटमेंट ये लिखो, द रिएक्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स ओके आर अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन वॉल्यूम, प्रेशर, फिर ये तीन लिख चेंजेस इन वॉल्यूम, प्रेशर और इनर्ट गैस। ओके डन। देन राइट डाउन, दे माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड गैशियस प्रोसेसेस। वो गैशियस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, बट कब करेगा? ओनली इफ द नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एन शुड बी ग्रेटर देन 0। सो वॉट हैपन्स वेन एन इज इक्वल टू 0? एन इज नंबर इक्वल ऑफ टू जीरो। मोल्स ऑफ गैस, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है 0 है तो क्या होगा? कुछ है ही नहीं। तो नहीं वॉल्यूम, नहीं तो अफेक्ट प्रेशर, ही नहीं होगा, तो हाँ कुछ अफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि कुछ बाकी ही नहीं है ऐसा रिएक्ट करने के लिए। यस यस। नाउ व्हेन एन इज इक्वल टू पॉजिटिव देन वेन इज इक्वल टू पॉजिटिव होएगा तो इट विल बी अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम, प्रेशर एंड इनर्ट गैस, द गैशियस प्रोसेस एटलीस्ट। See, you can say that the creation of product will be slowed down.
ओके द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्लोड डाउन बाय इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम। आया? आया सो कन्वर्सली अ रिडक्शन इन प्रेशर, अ रिडक्शन इन प्रेशर और एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो क्या होगा? हाँ, तो रिपीट द कन्वर्सली क्वेश्चन। कन्वर्सली अ रिडक्शन इन प्रेशर, मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब उसका उल्टा बोलो कि रिडक्शन फॉर्मेशन इन ऑफ प्रेशर, हाँ, और अ प्रोडक्ट। सॉरी सॉरी, इंक्रीज इन वॉल्यूम। हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट विल एनहांस प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नील, तुमने जो ये बोला ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यस ये प्रूफ कर रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया। खाली ये वर्ड से ही ओके मुझे पता लग गया कि यस यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज इनएक्टिव गैसेस। चलो इनएक्टिव गैसेस के बारे में बताओ। इनएक्टिव गैसेस में क्या हो? इनएक्टिव एज इन इनर्ट की यस, इनर्ट। इनर्ट गैसेस के केस में वो लोग तो रिएक्ट ही नहीं करते ना, तो उनके केस में एन इज इक्वल टू पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, तो काम आता राइट? है अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्या काम आता है? फर्क नहीं पड़ता तो एन इज इक्वल टू जीरो का कैटेगरी इट विल बी एन एक्सेप्शन ऑफ सम सॉर्ट्स, क्योंकि वो तो रिएक्ट करेगा नहीं किसी से। हाँ, नहीं, ये जो इनएक्टिव होते हैं ना, ये खाली काम आते हैं टू रेज वॉल्यूम और प्रेशर। कैटलिस्ट लाइक कैटलिस्ट्स। की तरह भी नहीं, ये पैरामीटर्स बढ़ाने के लिए। कैटलिस्ट तो रिएक्शन में यूज करता है, ये तो खाली एक वो है कि चलो इसको यूज कर लिया, बढ़ा दिया। अच्छा ओके 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 अब अगर मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर पे एट ये जो ली शैटले प्रिंसिपल है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी ठोक ठोक के देते हैं लोग, एजर्शन रीजंस भी पूछते हैं इसके अंदर में। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर एक, या तो ये सोचो कि अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस इंजेक्ट करी जाती है, व्हेन वी आर इंजेक्टिंग अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या करेगा? मतलब कंटिन्यूअसली दबाव दिए जा रहे हैं, इंजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या हो? बेसिकली उसका वॉल्यूम प्रेशर बढ़ते ही जाएगा एनीवे अगर इंजेक्ट किया जाए तो। तो इसके अंदर में यस द वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन दोनों, द वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीजेस।
ठीक है। सो कोई भी केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट होगा राइट साइड पे? इन एनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन एनी केमिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर एडेड और रिमूव्ड, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं। सो व्हेन यू रिमूव अ रिएक्टेंट और ऐड अ प्रोडक्ट तब क्या होगा? बताओ, व्हेन यू रिमूव अ रिएक्टेंट ओके और व्हेन यू ऐड अ प्रोडक्ट तो क्या होगा? लिख लिया ये पूरा? तो इक्विलिब्रियम हट जाएगा बिकॉज यू आर एडिंग एन एक्स्ट्रा आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू दिस और आर यू आस्किंग एन एक्स्ट्रा सब्सटेंस टू दिस और या नहीं, आई एम नॉट इन रिलेशन टू दिस। नाउ यू हैव रिटन दिस, नाउ आई एम आस्किंग यू कि ओके व्हेन यू रिमूव अ रिएक्टेंट ओके और एड अ प्रोडक्ट द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द Shifts to the will shift towards the product to balance it out. If no wait. No, it will if we remove a reactant, it will shift towards the reactant in order to make up for the reactant that is lost. Very good, very good. Now you have understood. Okay. Now explain me PCl5 का जो मैंने रिएक्शन दिया है, इसको समझा दो। सो बेसिकली PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 एंड वाइस वर्सा. सो देयर PCl5, ओके। वॉइस सो क्रैक जस्ट नाउ, कुड यू एक्सप्लेन? व्हेन इन दिस केस व्हेन द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज ब्रोकन डाउन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? इवन व्हाट विल बी द एन इन दिस रिएक्शन? एन विल बी अ पॉजिटिव 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 मतलब वन, खाली वन। कितना मोल गैस टूट रहा है PCl5 का? एक मोल टूट रहा है ना, हाँ एक ही मोल टूट रहा है. तो बोलो ना एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब ओके ओके एन इज क्या इक्वल हुआ? टू वन हाँ, अब ब्रेकडाउन ऑफ PCl5
आप इसको कैसे स्लो कर सकते हो? ब्रेकडाउन ऑफ PCl5 कैन बी मेड स्लो बाय भाई इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओ भाई, कैसे? वेरी गुड, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है नील तुमने, वेरी गुड। थैंक यू टीचर। और बेसिकली एक्सप्लेन करो बेटा। सिंस एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू द पॉजिटिव नंबर, सो एज यू आर मेड मी राइट, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी स्लोड डाउन बाय द इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो बेसिकली हाँ यू आर गिवन दैट ऑरेंजेस का एग्जाम्पल ऑल्सो, जैसे हाँ कुछ कुछ ही ऑरेंज डाला तो वो टाइम लगता है, बट ऐसे जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया वो जल्दी खत्म हो जाता है। वेरी गुड। तुम ना ये मिक्सी में जाके करके देखना, मम्मी बोलेगी कर क्या रहे हो। अरे मम्मी पढ़ने दो ना मुझे, ली शैटलियो प्रिंसिपल। मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती हूँ अपने आजू बाजू में से, तो क्या है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर। मेरा एक स्टूडेंट तो जाके स्कूल के अंदर में ना बायो पढ़ा रही थी, तो ओला उबर का एग्जाम्पल देके आ गया, नीट का ही था, नारायणा का। मैंने लगा भाई तुम ये क्या ओला उबर, मैंने उसको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से प्रोटीन्स पास होते हैं। वो जाके ना ओला उबर का एग्जाम्पल दे रहा है, तो उसकी टीचर बोलती है इट्स वेरी गुड, तो बोलता है माई बायोलॉजी ट्यूशन टीचर टॉट मी दिस। सी द थिंग इज दैट ना, कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है ना किस तरीके से होता है, तो ना आपका आंसर कभी हाँ गलत होता ही नहीं। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट स्टडी, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, जो आपके चारों ओर से आप जिस चीज को देखते हो उस चीज को इजिली अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है ना। अभी मैं खाली हाँ ऐसे टीचर, बोलती हूँ, यस तुम इमेजिन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड, सही पकड़ा। और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, तो मेरे यही कॉन्सेप्ट को पकड़ो हर टॉपिक में, तो तुम्हें कभी गलती होगी नहीं बेटा। ओके टीचर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, द इंसर्शन ऑफ, द इंसर्शन ऑफ इनर्ट गैस। अब बताओ क्या होगा। इंसर्शन ऑफ इनर्ट गैस अभी इंसर्शन ऑफ इनर्ट गैस, उससे बस वो वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज होएगा ना, कि PCl5 उसका का, कुछ वैल्यू हाँ, PCl5। इंसर्शन ऑफ इनर्ट गैस प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ PCl5 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके okay. एंड द, ठीक है, नाउ व्हेन एन इज इक्वल टू नेगेटिव, ये हमने पढ़ा, जब एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए गए यस इंक्रीज किए गए, तो एन आप इज इक्वल टू बोलो। एन इज इक्वल टू नेगेटिव पे एन इज इक्वल टू पॉजिटिव का कॉन्ट्रेरी होएगा, मतलब प्रोडक्ट विल स्टिल बी स्लोड डाउन बट ओनली बाय द डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे, लिखो, अकॉर्डिंग हाँ टू व्हेन एन इज, तुमने लिख लिया टॉपिक व्हेन एन इज इक्वल टू नेगेटिव, सो अकॉर्डिंग हाँ टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, अ प्रेशर ग्रेडियंट अ प्रेशर ग्रेडियंट और अ और अ रिडक्शन इन वॉल्यूम विल रिजल्ट इन मोर प्रोडक्ट क्रिएशन। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एडिंग इनर्ट गैसेस, एडिंग इनर्ट गैस
increases volume and decreases product प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, घट जाता। ठीक है, ओके एंड ओके अब ये बताओ, द इंजेक्शन ऑफ इनर्ट गैस, द इंजेक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट अ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, ये क्या करेगा? इंजेक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम आह हाँ, वॉल्यूम को इंक्रीज तो करेगा द इंजेक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट अ स्पेसिफिक वॉल्यूम रेजेस द प्रेशर। रेजेस द प्रेशर विच रेजेस द ठीक बताओ। एक्सप्लेन करो इसको। ओके सो 1 सेकंड आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन. हाँ, श्योर, टेक योर टाइम, नो वरीज। बेसिकली द इनर्ट गैस एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ हेल्पर इन द हेल्पर इन द सिंस इज अ वॉल्यूम ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम है ऑलरेडी, तो विच इज द अदर फैक्टर द प्रेशर जो इंक्रीज कर सकते हैं, सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर लिया जाए तो प्रेशर कुकर की तरह ऐसा वी एड वॉटर इन इन ऑर्डर टू हेल्प द प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है राइस का, तो ऐसे प्रेशर इंक्रीज करते 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 वो राइस कुक हो जाते हैं. सो ऐसा द गैस विल एक्ट एज एन इनर्ट गैस, इट जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका प्रेशर रेज करते जाएगा, ऐसा कुछ. गुड। सो इसके अंदर में बैलेंस करो। इसके अंदर में एन क्या होगा? N2 + 3H2 gives 2NH3. हाँ, तो इसके अंदर में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर में एन है वो -2 होगा, अमोनिया हाँ प्रोडक्शन। सो मैंने बताया था ना, 18% ही रहता है, तो नेगेटिव में जाता है। सो द जनरेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज हाउ? द जनरेशन जनरेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सलरेटेड हाउ? रिलेटेड बाय अप्लाइड प्रेशर।
ओके और रिडक्शन इन वॉल्यूम, सो द यूज ऑफ इनर्ट गैस क्या करेगा? यस, द यूज ऑफ इनर्ट गैस विल डू व्हाट? यूज ऑफ इनर्ट गैस विल स्लो डाउन द प्रोसेस। द यूज ऑफ इनर्ट गैस, यस वेरी गुड। देखो आ गया ना समझ में, पता लग रहा है कि समझ में आ चुका है। यस सर, गुड। थैंक यू सर। एंड हाँ बेटा। मैंने आई एम सेइंग थैंक यू। थैंक थैंक यू फॉर व्हाट? आई शुड से थैंक यू कि तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो गए, तुमने एफर्ट डाला अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये क्या करेगा? मैंने पहले क्या बोला, द यूज ऑफ इनर्ट गैस रिड्यूसेस अमोनिया प्रोडक्शन एट रिलेंटलेस प्रेशर। अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? एडिशन, यस द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वॉल्यूम हाँ बोलो। ऑल्सो आई लव द सेम इफेक्ट एज द प्रीवियस क्वेश्चन ऑनली। इट एनहेंसेस वॉल्यूम प्रोडक्शन, यस गुड, राइट डाउन, इट इंक्रीजेस वॉल्यूम प्रोडक्शन। नाउ अब हम फटाफट देख लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम, ये लिख लो, इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फटाफट टेम्परेचर चेंज। देखो टेम्परेचर में हमेशा ये देखो कि जो इंडिविजुअल रिएक्शंस होते हैं ना इक्विलिब्रियम में ना, दोज रिएक्शंस कैन बी टू, या तो वो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होते हैं या वो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। जो ली शैटलियर प्रिंसिपल का टेम्परेचर है वो ना रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकता है ताकि वो एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल पोजीशन पे आए एट इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे हम बात करते हैं पायरोलाइसिस, इन पायरोलाइसिस जो इक्विलिब्रियम है देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर। सो राइज इन टेम्परेचर विल लोअर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ऑलवेज रिमेम्बर, राइज इन टेम्परेचर विल लोअर, इट विल ब्रिंग डाउन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एंड अ ड्रॉप इन टेम्परेचर, एंड अ ड्रॉप इन टेम्परेचर इट इंक्रीजेस प्रोडक्ट क्रिएशन।
तो एक करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक करता है प्रोडक्ट क्रिएशन, क्योंकि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑलवेज रिमेम्बर देयर इज अ राइज इन फ्रीक्वेंसी कोलिजन्स, ठीक है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर में क्या होता है, एंडो यानी कि वो हीट है यूज अप कर रहा है। यू हैव रिटन, शुड आई लव, रिटन नील, जस्ट वन सेकेंड वन सेकेंड। ओके ओके फाइन। डन। सो हम क्या बोलते हैं कि पायरोलाइसिस में तो ये इंक्रीज होता है, तो कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर में क्या होगा, अराइज, अजीन हाँ, अराइज इन फ्रीक्वेंसी, अराइज इन फ्रीक्वेंसी प्रमोट्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन, अराइज इन फ्रीक्वेंसी प्रमोट्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वेयर एज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर इनहिबिट्स प्रोडक्ट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर में तो हमको हीट चाहिए ना, तो अगर हीट हाँ नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। सो वी कैन से दैट डेल्टा एच विल बी नेगेटिव इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम। सो ली शैटलर प्रिंसिपल, टेम्परेचर राइज, इट मस्ट रिजल्ट इन अ ड्रॉप इन टेम्परेचर। सो वी कैन से अ फॉल इन टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज K2। ओके, सो व्हाट वी सी दैट द टेम्परेचर इंक्रीज, एंडोथर्मिक रेस्पॉन्स इज देयर बिकॉज इट रिसीव्स एनर्जी, सो द प्रोडक्ट यील्ड विल फॉल इन द केस ऑफ N2 प्लस H2 गिविंग NH3। द एंडोथर्मिक रिएक्शन इट नीड्स हीट टू प्रोड्यूस दिस, बट वॉट वी आर सीइंग दैट द दिस रिएक्शन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इट इज नेगेटिव। सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रेफर्ड। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, सो देर आर टू टाइप रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज फॉरवर्ड रिएक्शंस, एंड इन द केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस NH3 yield increases. Got it? So the equilibrium of Yes. a reaction kinetic, it remains static. So according to Lee-Shatler principle,
अवेलेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट वुड स्पीड अप और डिले द इक्विलिब्रियम अप्रोच बट इट डज नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके सो दिस वी हैव डन. इफ यू वॉन्ट टुमोरो वी कैन डू द रेलिवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इट और विल कंटिन्यू विद एच एस सी वॉट एवर यू विश. Okay. Anything else? चलो बाय. Okay. Bye. Bye. बाय.